आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यूरोप ओमिक्रॉन के चपेट में आ गया है, पूरी तरीके से चपेट में आ गया है। अभी ये आप देख सकते हो, ये दुनिया का मैप है और इस समय बुरी हालत हो गई है। आपको बता दो कि पूरी दुनिया में 53% केसेज जो है वो यूरोप में आ रहे हैं, समझ गए। 23% केसेज जो है वो अमेरिका और ये ऊपर कैनेडा है ना, यहां पर आ रहे हैं। भारत में भी लगभग 500 जो है वो केसेस पहुंचने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहली रिपोर्टेड डेथ जो है वो ओमिक्रॉन की हो गई है। तो आप ये समझिए कि इस समय बुरी हालत हो गई है यहां पे, किसकी? यूरोप की, क्योंकि लगभग यूरोप में 1,00,000 हर दिन केसेस आ रहे हैं। अब इसमें सबसे बुरी हालत अगर किसी की है तो वह है फ्रांस की। देखिए, फ्रांस की जो पॉपुलेशन है ना वो लगभग 1,00,000 के करीब है, सॉरी 6.5 करोड़ के करीब है, लेकिन यहां पे केसेस जो हैं वो 1,00,000 आ रहे हैं। ओके, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन, ये ब्रिटिश आइल्स है, ठीक है, ब्रिटेन की बात करें तो यहां की पॉपुलेशन भी इतनी ही है और यहां पर 1,22,000 करीब केसेज आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यूरोप में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। फ्रांस अपने थ्रेशोल्ड को पार कर चुका है, यहां पे पॉपुलेशन कम है लेकिन केसेस ज्यादा है। तो ओमिक्रॉन ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। आपको पता ही है कि भैया जो स्पाइक प्रोटीन है उसी में ही 20 म्यूटेशंस हो गए हैं। ओमिक्रॉन में टोटल 30 म्यूटेशंस है। कल मैंने आपको बताया था ना कि ओमिक्रॉन के 2 सिम्टम्स हैं जिससे आप अलग कर सकते हैं उसको कॉमन कोल्ड से, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा है कि ओमिक्रॉन और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स सेम है और इतना डेडली भी नहीं है। ओमिक्रॉन टू बी वेरी फ्रैंक इतना डेडली नहीं है। तो अगर हम बात करें तो इसमें पहला है सिर दर्द, बहुत तेज जो है वो सिर दर्द होता है, और दूसरा है फैटिग, मतलब काफी ज्यादा थकान लगती है। ये कॉमन कोल्ड में अमूमन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर दर्द होता है लेकिन ऐसा तो नहीं हमेशा होता रहे। ये 2 सिम्टम्स जो है वो ओमिक्रॉन को अलग करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इधर अमेरिका की, तो अमेरिका में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये सब कर क्या रहे हैं अगर हम बात करें इन सब की, ये यूरोप की, क्योंकि यूरोप में ही बुरी हालत है। पता नहीं, समझ नहीं आता कि जब फर्स्ट वेव आई थी और सेकेंड वेव आई थी तब भी यूरोप की बहुत बुरी हालत थी। तो इधर हम ये देखते हैं कि डेल्टा वेरिएंट भी ब्रिटेन से ही आया था, लेकिन यहां से साउथ अफ्रीका, बॉट्सवाना, इधर से ये ओमिक्रॉन आया है और हर जगह फैल गया। अब ये आप देखिए कि लोकल ट्रांसमिशन जो है, ये जो आप येलो में देख रहे हैं ना, येलो में, तो लोकल ट्रांसमिशन जो है वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। एक मिनट, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। जो आप ये येलो में देख रहे हैं, डार्क येलो में देख रहे हैं, तो यहां पे आपको लोकल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो आप ऑफ व्हाइट में देख रहे हैं, ठीक है, यहां पर ट्रैवलर्स ने फैलाया है तो यहां पर ट्रैवलर्स ने फैलाया है। इसमें रशिया है, चाइना है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है। भारत में भी लोकल ट्रांसमिशन अब होने लगा है। शुरुआत में भारत में ट्रैवलर्स ने फैलाया था, लेकिन अब भारत में भी लोकल ट्रांसमिशन जो है वो होने लगा है। तो अब हम कर क्या सकते हैं? अब हम कर ये सकते हैं कि सबसे पहले तो हमको गैदरिंग्स बैन करनी पड़ेगी। अब देखिए कितने समझदार है यहां पर यूरोप के लोग, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है, कितने ज्यादा, आप देखिए सार्कैज़म है ये भैया। यहां पर ब्रिटेन में सब बैन है, ठीक है, ब्रिटेन में रिस्ट्रिक्शंस है, नेदरलैंड में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है कि आप अभी न्यू ईयर पे ज्यादा पार्टी आर्टी जो है वो नहीं कर सकते। फ्रांस में भी यही हुआ है, यहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेदरलैंड में तो कुछ शो ऑर्गेनाइजर्स, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स लोग सड़कों पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शो मस्ट गो ऑन। यही चीज जो हमने अमेरिका में देखी थी, अमेरिका में जब सेकेंड वेव फर्स्ट वेव आई और यहां पर बोला मास्क पहनो, तो अमेरिका में लोग पगला गए, लोगों ने बोला हम मास्क वास्क नहीं पहनेंगे, मास्क बाहर में जाए। एलोन मस्क ट्वीट, बताइए दुनिया का सबसे कथित इंटेलिजेंट इंसान एलोन मस्क, वो बोल रहा है कि हमको मास्क वास्क नहीं पहनना है, कुछ नहीं, सब बकवास है। आप देखिए कि अमेरिका और यूरोप के लोग कितने समझदार है यहां पे कि वो डिफाई कर रहे हैं कि भाड़ में जाए मास्क, कोई ओमिक्रॉन नहीं है, शो मस्ट गो ऑन। और फिर यहां अमेरिका में पता था कितनी हाहाकार, कितने लोग मरे थे भाई अमेरिका में, लाशें बिछ गई थी, और ऐसे यूरोप में हुआ था। इस बार भी इसीलिए तो यहां पर इतना ज्यादा इंफेक्शन हो रहा है,
कभी आपने सोचा इतना इतनी तेजी से, सब डेवलप्ड कंट्रीज है, इतनी तेजी से इंफेक्शन फैल कैसे रहा है? यही लोगों की लापरवाही से। इसे ये समझ में आया, ये साबित हो गया कि अमेरिका के लोग और यूरोप के लोग कितने ज्यादा समझदार हैं। हालांकि कल मैं एक भारत में भी रिपोर्ट देख रहा था, महाराष्ट्र में एक न्यूज गए थे तो वहां पे ये था कि वो सबसे पूछ रहे थे कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना, वो गुस्सा आ गए, या तुमको क्या लेना देना, तुम अपना काम करो, लड़ाई करने लगे रिपोर्टर से। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डबलिंग रेट इसका बहुत ज्यादा है। तो एक तरीके से ओमिक्रॉन ने, आप देख सकते हैं, दुनिया में इतनी तबाही मचाई हुई है, स्पेशली यूरोप में। यूरोप में इस समय सबसे बुरा फेज चल रहा है। तो ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, इटली हो गया, वेल्स और इधर सबने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि लगभग आपके जो सेलिब्रेशन है, जो न्यू ईयर पे इतनी ज्यादा भीड़ जमा होती थी, अब उसको जमा होने नहीं देना है। भारत में दिक्कत यह है कि भारत में बाद में फैलता है, पहले यूरोप में तगड़े से फैल जाएगा और उसके बाद भारत में फैलेगा। तो यह प्रॉब्लम है कि भारत में बाद में इंफेक्शन आते हैं, तो इसीलिए अभी से ही चीजों को कंट्रोल करेंगे तो ठीक रहेगा। ये छोटा सा लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ रहे पढ़ते रहे, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।